नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग Oppo A11s का आज हम लोग FRP अनलॉक करके आपको बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हम लोगों का FRP लगा हुआ है। Oppo A11s इसका मॉडल नंबर है। इसमें दोस्तों आप अगर आपका भी FRP लग जाता है तो आप इसको घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने का जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक डॉट दिखेगा, वो डॉट में सेलेक्ट करके आपको फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पर फिर से आपको 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, तो 3 डॉट को एक बार हटा देना है, फिर से सेलेक्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है। फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, वाईफाई कनेक्ट करना है। सबसे यहाँ पर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपका स्किप का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करना है। चलिए आपको वाईफाई कनेक्ट करके बताते हैं। तो आपका भी वाईफाई से सिंपल तरीके से आपको भी वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपल तरीके से आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल बेस्ट आएगा, तो इसको वाईफाई को ऑन करना है और मोबाइल नेटवर्क को भी ऑन कर देना है। दोनों को ऑन करने के बाद फिर से आपको एक बार बैक आना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है। उसका थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा जैसे वेस्ट कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। उसके लिए आपका जैसे आपका नेट जितना स्पीड रहेगा उस टाइम में इससे काम करेगा, उसके लिए आपको वेट करना है। इसमें आपका 100% FRP अनलॉक हो जाएगा। ये आप घर बैठे हैं इसको भी अनलॉक कर सकते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने का ज़रूरी नहीं है। Oppo A11s का अगर सेट में आपके पास भी सेट रहता है और आपका FRP लॉक रहता है तो 100% अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड कॉपी का आ गया, तो इसमें क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा हम लोग थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा इसमें और टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करते चलिए। तो यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा वेट लगेगा, टाइम लगेगा। इसमें दोस्तों अगर आपका कोई भी सेट रहता है, जैसे ओप्पो का भी बहुत सारा सेट में खुल जाता है दोस्तों FRP सेम टू सेम प्रोसेस में। एंड्रॉयड इसका 11 वर्जन चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों नीचे में स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको स्किप करके भी इसको आप FRP अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपका स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, तो क्या करना है दोस्तों, आपको पूरा बैक आना है। अगर आपका स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको पूरा तरह से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कोड डायल करना है, ठीक है। *813# कर देना। जैसे कीजिएगा दोस्तों *813, आपका FRP जो रहेगा दोस्तों 100% अनलॉक हो जाएगा। इसमें आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका 1 मिनट जैसा टाइम लेगा और आपका जो भी सब कुछ पूरी तरह से हट जाएगा और आपका FRP जो 100% अनलॉक हो जाएगा, आपका पूरी तरह से हट जाएगा। अगर आपका फिर भी अगर FRP नहीं हटता तो फिर इससे आपको दोबारा दूसरा कोड डालना है, *812#। ये कोड, ये दोनों कोड वर्किंग है दोस्तों। ये दोनों कोड जैसे डालिएगा ओप्पो का हैंडसेट में, अगर Oppo A11s का मॉडल रहता तो 100% ये दोनों कोड आपका वर्क करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, तो यहाँ पर आपको नीचे आना दोस्तों, ठीक है। ये तो दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप बता रहे दोस्तों। इसमें आपको नीचे आना, नीचे में हिंदी सेलेक्ट करना, हिंदी सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ का नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो फिर से यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो फिर से यहाँ पर आपको क्या करना है, वाईफाई कनेक्ट रहना देना, ठीक है। वाईफाई को हटाना नहीं, वाईफाई कनेक्टेड रहना देना, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर से यहाँ पर हमको क्या करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर से नेक्स्ट करना है। तो फिर से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डोंट नोट कॉपी कर देना है। दोस्तों दोनों कोड बताए, दोनों कोड जैसे डालेगा आपका Oppo A11s में 100% वर्क करेगा, आपका FRP 100% अनलॉक हो जाएगा। फिर भी अगर वर्क नहीं करता तो आपको तीसरा जो ट्रिक बताया अभी, हिंदी सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। हिंदी जैसे सेलेक्ट कीजिए दोस्तों तो आपका 100% आ जाएगा स्किप का ऑप्शन, तो यहाँ पर स्किप करना है। यहाँ पर फिर से स्किप का ऑप्शन आएगा, फिर से स्किप कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा फिर इसमें हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद गूगल एक्सेप्ट का आएगा, तो एक्सेप्ट कर लेना है आपको। फिर इसमें क्या करना है दोस्तों, फिर आपको नेक्स्ट, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, फिंगरप्रिंट का आ गया है, फेस लॉक का आ गया। अगर आप पासवर्ड उसको लगा सकते हैं तो यहाँ सिंपल क्लिक करके यहाँ पर जो भी पासवर्ड लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है तो कोई नहीं, इसके नहीं, इसमें फिर से स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, फिर से स्किप कर दीजिएगा। फिर में स्किप का ऑप्शन आएगा, फिर से स्किप करना है। फिर से यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको स्किप का ऑप्शन आएगा, तो स्किप है। यहाँ पर आपका न्यू अपडेट आएगा और ओल्ड अपडेट का आएगा। अगर आपका बैकअप चाहिए तो फिर ओल्ड अपडेट में क्लिक कीजिएगा, अगर बैकअप नहीं चाहिए तो ऊपर वाले में सेलेक्ट करिएगा और फिर यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर ये सब जो एप्लीकेशन पहले से आपका मोबाइल में था, अगर फिर से इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर इंस्टॉल सभी इंस्टॉल में क्लिक कर देना है। अगर इंस्टॉल नहीं करना तो यहाँ पर 20 हटा देना और यहाँ पर स्किप कर देना। चलिए तो स्किप करके आपको बताते हैं। जैसे स्किप कीजिएगा दोस्तों आपका FRP 100% अनलॉक हो जाएगा।